आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छतरपुर नगर के चौक बाजार गल्ला मंडी क्षेत्र में वर्षों से स्थानीय व्यापारी और खरीदारी करने वाले दुकानदारों को सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब आम जनता को इस समस्या से छुटकारा मिल गया है। रविवार को छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने इस व्यवसायिक क्षेत्र में विधायक निधि से निर्मित कराए गए 3 सार्वजनिक शौचालयों का लोकार्पण करते हुए इन्हें जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्थानीय व्यापारी नगर पालिका से मांग कर रहे थे कि बाजार क्षेत्र में शौचालय का निर्माण जाए ताकि यहाँ आने वाले लोगों और स्थानीय व्यापारियों को सुविधा मिल सके, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते इनका निर्माण नहीं हो पा रहा था। लगभग 6 महीने पूर्व विधायक निधि से आलोक चतुर्वेदी के द्वारा नगर पालिका को 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई। इस राशि से गल्ला मंडी, पुराने शिक्षा विभाग के समीप, कोतवाली के समीप और हटवारा क्षेत्र में 4 छोटे शौचालयों के निर्माण स्वीकृत कराए गए थे। नगर पालिका ने हटवारा क्षेत्र के शौचालय को छोड़कर शेष 3 शौचालयों के निर्माण पूरे कर दिए हैं। रविवार को विधायक ने इनका लोकार्पण करते हुए स्थानीय लोगों को बधाई दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता प्रभात अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि सियाराम रावत, अभिलेख खरे, रवि शुक्ला, राजेश रूसिया, अखिलेश मातेले, सोनू गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद विधायक ने बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात करते हुए उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। लेकिन जो बाथरूम पहले से बने हुए हैं और बन रहे उनमें सफाई नाम पर बिल्कुल जीरो है। सफाई बिल्कुल नहीं होती और सफाई के नाम पर लाखों रुपए हेरा फेरी भी चल रही है। पब्लिक बहुत परेशान रहती है गंदगी। जब ये बाथरूमों का निर्माण के लिए मैंने एजेंसी नगर पालिका को बनाया था, सीएमओ से बोल दिया था स्पष्ट रूप से कि इन बाथरूमों पर एक किसी भी जमादार की, स्वीपर की ड्यूटी होनी चाहिए जिससे कि इनकी साफ सफाई निश्चित की जा सके और ये जिम्मेदारी जवाबदारी नगर पालिका की होगी। ये मैं नगर पालिका के सीएमओ को निर्देशित करूंगा और इनकी निरंतर सफाई ना हो तो मैं अपने बाजार के और शहर के लोगों से ये अपील करूंगा कि वो मुझ तक ये शिकायत को पहुंचाएं जिससे कि इसका निराकरण तत्काल करवा सके। महीनों साफ नहीं होते बाथरूम कोई नहीं। अब जो ये नए बने हैं, निर्मित हुए हैं, ये तय करके इस बात को बनाया गया है कि आपको सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका को लेनी है और सीएमओ ने मुझे आश्वस्त किया था कि आप जैसा चाहेंगे सफाई हम करवाएंगे। सबसे बड़ी जो समस्या थी वो साथ कई वर्षों से क्या अभी तक पूरी नहीं हुई है, बाथरूम को लेकर क्या समस्या आती थी, कैसे आपने सोचा और कितने शौचालय ये बाथरूम वगैरह बनवाई? बाजार की सबसे बड़ी ये शौचालय की एक समस्या थी कि जो व्यापारियों को कहीं भी लघु शंका के लिए जाना है तो उनको स्थान नहीं मिलता था। कई बार ये सामने बात आई और इसकी चर्चा हुई। उसी तारतम्य में विधायक निधि से मैंने 10 लाख रुपए नगर पालिका को दिया था और 4 स्थान बताए थे कि एक गल्ला मंडी में, एक वहां बजरिया के पास में महावीर स्कूल के पास में, एक कोतवाली के पास और एक हटवारे के पास। 3 का निर्माण लगभग पूर्ण हो रहा है और ये जनता के लिए खोले जा रहे हैं। अगर ऐसी आवश्यकता और भी है बाजार में जगह मिलने पर, मैं विधायक निधि से बाथरूम और बनवाने के लिए तैयार हूं। हमारे आमजन को, व्यापारियों को और जो यहां पर आते हैं बाजार में उन्हें कोई परेशानी न पड़े। ये एक बहुत आवश्यक जो कार्य के लिए जो सबको जरूरत पड़ती है, आदमियों को खुले में जाना पड़ता है, वो सारी चीजें बंद हो, महिलाओं को दिक्कत पड़ती है, वो सब चीजें बंद हो और लोगों को सुविधा मिल सके, इसके लिए ये एक प्रयास था कि बाथरूम एक छोटी सी चीज है। नगर पालिका जैसी संस्था जब नहीं बना पा रही है तो विधायक निधि से मैंने इन बाथरूमों को बनवाया है।